हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ऐसे भी पता होगा कि दिल्ली के अंदर क्वाइन और नोट्स के एग्जीबिशन लगे हुए हैं, तो आज इस एग्जीबिशन का लास्ट डेट है, यानी संडे को ये 6 बजे तक ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और फिर एक और आपको आज ही अपडेट देता हूँ, नेक्स्ट मंथ में भी दिल्ली में एग्जीबिशन लगेगा, उसका जो डिटेल आएगा अपडेट, यानी किस जगह पर हो रहा है और डेट कौन सा है और किस समय से होगा, वो मैं पूरा वीडियो एक बनाऊंगा नेक्स्ट मंथ में जो दिल्ली में एग्जीबिशन होगा। तो जो भी मेरे नए व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो चाहिए अबाउट नोट क्वाइंस के बारे में, एग्जीबिशन के बारे में, कैसे सेल होता है, कहाँ सेल होता है और नोट का कौन सा नोट कितना महंगा है, कितना रेयर है, वो सारे मैंने चैनल के अंदर वीडियो बना के मैंने बहुत सारे डाले दोस्तों। ये मेरा बैनर आप देख सकते हैं, यही मेरा लोगो है दोस्तों। अगर बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, पूरा वीडियो तो देखते नहीं है, बहुत सारे मैंने वीडियो अपडेट बनाए हैं, क्वाइंस हो, नोट्स हो, तो सबसे पहले दोस्तों आप व्हाट्सएप भेजने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरा पहले चैनल के अंदर जाए, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो देखें जो आपके कलेक्शन में मैच होता है, उसकी वैल्यू आप जान लें, उसका क्या कंडीशन में क्या प्राइस है, फिर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपको सेल करना होगा तो वो मैं बताऊँगा कहाँ सेल करेंगे, या अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझे सेल करना चाहते हैं, तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, अगर वहाँ का एग्जीबिशन होता है, जो एड्रेस होगा, मैं वहाँ पे आऊँगा और मिलूँगा और मैं कलेक्ट करूँगा दोस्तों। थोड़ा संदीप जी, थोड़ा ऐसा ये व्यू दिखा दीजिए, ये आज लास्ट डेट है और इस आज यहाँ दिल्ली में बहुत सी गर्मी पड़ रही है, फिर भी इस गर्मी के मौसम में भी चारों तरफ दिखा दीजिए कि फिर भी लोगों का जुनून देखिए, जो इसमें यहाँ पर कलेक्टर भी आए हैं, डीलर भी आए हैं। ये आपको आउटर व्यू दिखा रहा हूँ, तो देखिए कैसे कोई अपने अपना कलेक्शन सेल कर रहा है और कोई सेल कर, जिनको लेना है वो बाइंग कर रहे हैं। तो इंडिया में हर स्टेट से आए हैं, मैं कुछ लोगों से आपसे बात कराऊंगा, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड आए हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर भी हैं, और वो आपको बताएंगे कि इस एग्जीबिशन में आने के बाद उनको कैसा लगा और किस माध्यम से आए, और अदर भी यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है या नहीं मिलता। संदीप जी नीचे आ जाइए, थोड़ा इधर में आते हैं। सबसे पहले मैं मेरे जितने भी जो सब्सक्राइबर व्यूअर है, जिनके पास कलेक्शन है या कलेक्शन करते हैं, उनके लिए सबसे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं। जो भी मेरे फ्रेंड अगर नोट्स कलेक्ट करते हैं, तो नोट्स तो कलेक्शन करते हैं लेकिन उसका जो रखाव है वो सही से नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रेंड हैं, इनके पास महंगा नोट भी आता है, वो क्या करते हैं, पर्स में फोल्ड करके मोड़ करके नोट को यहाँ पे लाते हैं। अगर जिस नोट की कीमत 100 रुपीज़ है, लेकिन जब वो फोल्ड होता है, वो मुड़ता है, तो उसकी कीमत 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ हो जाती है। और जैसे जैसे नोट का कंडीशन लो होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, वो जो कितना भी रेयर नोट हो या कितना भी महंगा नोट। तो किसी के पास होता अगर नोट हो तो आप या तो बुक में आप उसको रखें, या कार्डबोर्ड जो मजबूत है उसके अंदर नोट रखें, ताकि वो नोट फोल्ड नहीं होगा। जब नोट नहीं फोल्ड होगा तो आपको वैल्यू अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि आज इसका लास्ट दिन है, और आज मैं अंदर का भी व्यू आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी व्यू दिखा दीजिए, बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, भीड़ है बहुत सारे। तो यहाँ पर जो भी बहुत सारे, किसी को क्वाइन बेचना भी है, किसी को ख़रीदना भी है, तो आप देख सकते हैं। और मेरे पास भी बहुत सारे, कोई MP से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं, तो सारे मेरे स्टॉल पे आते हैं और वहाँ पे मैं जो होता है, जो बेस्ट प्राइस होता है वो देता हूँ। या इनके पास ऑप्शन, एग्जीबिशन में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन रहता है, जो आपको बेस्ट प्राइस दे उसको सेल करो। ये नहीं, अगर आपको कोई सिंगल आदमी को दोगे तो उसको वैल्यू भी कम दे सकता है या ज़्यादा दे सकता है, लेकिन एग्जीबिशन में पास आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर कोई 500 का किसी ने प्राइस लगाया, तो कोई अगर 600 दे रहा है तो उसको भी दे सकते हो, कोई 700, 1000 रुपीज़, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन सिंगल कोई बोलता है कि मैं लूँगा, ये वैल्यू दूँगा, तो थोड़ा आपको सोचना होगा। लेकिन हमारे पास आइएगा, जो इस फील्ड में जो बेस्ट प्राइस होता है उसी से मैं बाइंग करता हूँ, और जो बाइंग के बाद जो 5% 10% का डिफरेंस होता है उसके हिसाब से सेलिंग होता है। अब बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे भी आ रहे हैं जो फेक यूट्यूब चैनल देखते हैं, सबसे ज़्यादा कि रेयर फेक वीडियो है माता वैष्णो देवी का क्वाइन। तो दोस्तों इस क्वाइन के बारे में मैं बार बार बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले कोई मेरे पास व्हाट्सअप भेजते हैं तो माता वैष्णो देवी का भेजते हैं, 5 रुपया 10 रुपया। मैंने भी कुछ वाले वीडियो देखा है, उसने लिखा है उसका क्वाइन का वैल्यू 5 लाख 6 लाख, वो अपने वीडियो में दिखाया, लेकिन उसकी एक्चुअल रियल वैल्यू है 5 रुपीज़। माता वैष्णो देवी का क्वाइन अगर UNC कंडीशन हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 रुपीज़ होती है, और अगर 10 रुपीज़ माता वैष्णो देवी जो हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू
₹20 होती है दोस्तों, यही उसका वैल्यू है। अगर कोई कहता है कि लाख, दो लाख, पाँच लाख, तो सारे फेंक है। अगर आपको पहले तो लालच देंगे कि 2 लाख 3 लाख में, फिर घर से क्वाइन लेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड मुझे फ़ोन करते हैं और व्हाट्सअप करते हैं कि सर मेरे घर से आके क्वाइन नोट्स ले जा सकते हैं। तो पूरे इंडिया में ऐसा जो बोलता है वो सबसे बड़ा फेक है, झूठ है। कोई भी आपके घर से आके क्वाइन नहीं खरीदेगा। अगर ये आप सोचते हो तो ये आपके वो बोलेगा आप भी 2000-1500 भेज दो, मेरा आपका आदमी जाएगा और आपको घर पे पैसे ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे आते हैं सब्सक्राइबर भी, बोलते हैं पहले मेरे से पैसे लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अब रजिस्ट्रेशन फ़ी दो, GST दो, ये सो। देखिए ये सब इधर भी दिखा दीजिए, ये सब आए हुए हैं, ये सब लेके। आपका क्या नाम है मैम? शकुंतला गुप्ता। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरा मेडिसिन का बिजनेस है। अभी अभी यहाँ पे किस व्यू से आए? सर एक्चुअली में क्या है कि 4-5 साल पहले यहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी, मुकेश वर्मा जी ने लगाई थी। हाँ, वही लगवाते हैं। तो मैंने राज ज्ञानी जी की वीडियो देख के उससे थोड़ा इंटरेस्ट मुझे हुआ। ओके। तो कुछ क्वाइंस मेरे पास थे और कुछ मैंने धीरे धीरे करके उनकी वीडियो देखने करने के बाद कलेक्ट करने शुरू की है। ठीक है। बट आप वाली बात बिल्कुल सही है कि यूट्यूब पे देख के करके कई लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट किया तो हर बंदे ने यही की 1200 रुपये जमा कराइए, रजिस्ट्रेशन फीस 1500 दीजिए। 2-3 जगह मैं फंसी भी जी, 2-3 लोगों का मैं नाम भी बता सकती हूँ। एक यहाँ दिल्ली में सुखदेव सिंह है। अच्छा। राजस्थान में 2-3 बंदे हैं। तो एक दो जगह मैं फंसी भी 400-500 रुपये देख के करके जी। फिर मैंने राजज्ञानी जी की वीडियो देखी तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि कभी भी गलती से भी जो भी एक्चुअल बायर होगा, जेन्युइन बायर होगा, वो कभी आपसे 1 रुपया नहीं मांगेगा और ना आपके घर लेने आएगा। जी जी। तो इसलिए सबसे पहले तो आप उनको बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए। जहाँ पर भी यूट्यूब पे आपको कोई भी बंदा इस टाइप की चीज़ें करता है तो अब मैं किसी को भी फ़ोन करती हूँ, उनको अपनी मतलब व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। अगर वो मेरे को कहते हैं जी 80 लाख वैल्यू, 75 लाख वैल्यू है, अरे तुम मुझे 8 ही लाख दे दो जी, पर मुझे जगह तो बताओ कहाँ आना है। जी जी। मेरे पास मतलब अभी है, मेरे पास सेव व्हाट्सएप सेव है, उन सब के कम से कम 10 लोगों के हैं जिन्होंने 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख वैल्यू लगाई है। मैंने कहा मेरी तो बेटियों की शादी हो जाएगी बड़े प्यार से, यार मुझे दे दो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनका फ़ोन आता है जी 1200 रुपये। यार मैंने कहा तुम 1200 के रजिस्ट्रेशन चार्जेस अपने आप बियर नहीं कर सकते, यार मुझे 80 लाख रुपये तुम कहाँ से दोगे। जी जी जी। तो देखिए मैम मेरा सर मेरे को एक मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगी आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, इतने लार्ज स्केल पर हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, हम भी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे भी हैं, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो YouTube पे इतनी चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रही है, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? उसका एक रीज़न है, देखिए आज के डेट में जो लोग हैं ना, सबसे पहले जो थंबनेल लगाते हैं कि ये क्वाइन का कीमत 5 लाख है, 10 लाख है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं और वो कॉमन क्वाइन का फोटो डालते हैं। हाँ, क्योंकि कॉमन क्वाइन हर किसी के पास अवेलेबल होगा और पैसे की लालच किसको नहीं है। हाँ जी। तो अब किसी का 5 रुपये का क्वाइन है जिसकी वैल्यू मात्र 10 रुपये है, उसको 2 लाख बोलेंगे तो खटकेगा, वो 10 दोस्त में भी भेजेंगे, अरे इतने में बिक रहा है, इतने में ले लो, जल्दी करो। हाँ। और फिर वो जब जो वीडियो डालता है वो नंबर भी डाल देगा, जैसे आप बोलोगे मुझे बेचना है अपना, तो वो बोलेगा व्हाट्सअप नंबर दो कमेंट्स में, फिर वो आपको कॉल करेगा, तो फिर वो आपको कुछ भी प्राइस बताएगा, फिर आप सपनों में तैरते रहोगे और फिर नीचे से वो पैसा लेगा। आप सच बताएं, एक आंध्रा का मैं गया था बेंगलोर, उसका करीब 10 लाख रुपया फ्रॉड हुआ। अच्छा। वो बहुत पैसे वाला गवर्नमेंट जॉब देता था, मामूली क्वाइन था, वो मुझे फिर लाकर बेंगलोर एग्जीबिशन में दिखाया तो बोला देखिए ना सर, पहले मुझे से बोला कि मुझे उसको 50 लाख का बोला, तो बोला सर उसका तो GST वगैरह भरना पड़ेगा, तो पहले 10,000 लिया, 20,000 लिया, 1 लाख, 2 लाख, तो उनको लगा कि भाई जेन्यून है तभी तो GST ले रहा है, सब ले रहा है। तो उसके बाद में वो मुझसे मिला था बेंगलोर में, तो बोला सर मेरा टोटल 10 लाख का लॉस है। मतलब क्या करते हो? तो स्टील प्लांट में गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। अच्छा। मैं सर इतना अच्छा पोस्ट पे हो तो इसके पीछे? तो फिर मैं बोला कि आपका मुझे वो मेरा वीडियो देखा तो फिर मेरे पास आया, बेंगलोर में आया। ओके। वो है आंध्रा का लेकिन वो तेलंगाना के, लेकिन मेरे से मिलने, तो फिर मुझसे बोलते हैं कि मैं क्या करूँ। मैं बोल रहा हूँ जिसने जिस खाते में आपने पैसे डाले उस पर आप FIR कराओ, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने उनको बोला इससे दूर रहना, लेकिन वो मुझे बार बार बोलते, तो मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मुझे जो जाए सही जानकारी हो मैं देता हूँ, इसी से बचने के लिए कि लोगों का पैसा बर्बाद जो हो जाए गलत तरीके से, उसके बचाने के लिए मैं करता हूँ। किसी का पैसा बच जाए तो मेरा क्या जाता है, किसी का समय बर्बाद होने से बच जाए, इसमें जेन्यून भी काम होते हैं, लेकिन जेन्यून काम होते हैं उसकी जेन्यून वैल्यू है, ये नहीं कि कुछ भी लाखों करोड़ों। अब ऐसा होता तो फिर हम लोग करोड़पति होते यहाँ पे नहीं होते, है ना मैम? ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ। मेरे पास 4 दिन पहले अभी मेरे पास मैसेज आया है और मेरे घर से बाहर का कोई नंबर था, उन्होंने मेरे कॉइन्स की 85 लाख रुपए वैल्यू लगाई है लास्ट जी। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ा साइड का भी व्यू दिखाते रहेगा? नहीं नहीं, वहीं से आप, अरे फिर इधर आ जाइए। वहीं से मुझसे पूछा मैडम आप कैसे लेंगे, मैं 2-3 जगह फ्रॉड में फंस चुकी थी जी। मैंने कहा जी मुझे तो कैश डिलीवरी चाहिए जी।
आप मुझे जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगी, कैश लेने आ जाऊंगी, सब चीजें आ जाऊंगी, बट कैश में, नो बैंक ट्रांजेक्शन, आधार दे दीजिए, पेन दे, मैं तो बिजनेस मैन हूँ, पेन तो दे ही नहीं सकती आपको, पेन तो दे ही नहीं सकती मैं आपको, बिजनेस मैन हूँ। तो मैंने कहा मैं कैश में डीलिंग करूंगी, तो वो कहते हैं जी कैश में भी हम कर लेंगे, हमारे ना कुछ है ना वो चार्जेस लगेंगे, वही 1000-1200-1500 चेंज करने के, इसके उसके। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा रुपया मैं एक नहीं दूंगी। जी जी, अब बताओ ये लोगों के सोचने वाली बात है कि कोई सर 2 लाख का कोई प्राइस बताएगा 5 लाख का, तो 1000 रुपए आपसे मांगेगा क्या? सोचने वाली बात, वही तो उनको बोला नहीं, आप तो समझदार हो, बाकी नए नए लोग ऐसे करते हैं। कल ही मेरे से फोन आया यूपी से, फैजाबाद से, सर मैं आपका वीडियो देखा हूँ, किसी ने मेरे ये क्वाइन भेजा, बोला इसका 10 लाख लगाया, बोला और क्या, बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर 1500 भेजो, मैंने भेज दिया 1500, फिर और बोला कि 10000 डालो GST का, उसके बाद मैंने नहीं डाला, फिर आपका वीडियो देखा तो मैंने आपको कॉल किया। तो कल मैं फ्री था डिनर के टाइम में, तो उनको समझाया मैं, बोला ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप एग्जीबिशन अटेंड करो, उसमें आओगे लोगों से मिलोगे तो सही जानकारी होगी। अब बहुत सारे बोलते हैं बार बार मुझे कि मेरा बिकवा दो या इसकी वैल्यू इतनी लगी हुई है, तो अब मैं बोला मैंने मैं घर जा सकता हूँ नहीं, मैं उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है ना, अगर कोई नया बंदा को तो दिमाग में बैठा हुआ है 1 लाख रुपया 10 लाख, उसके लिए मेन बेस्ट में है कि आप एग्जीबिशन आओ, एग्जीबिशन में आओगे तो दिमाग खुलेगा, अगर जब तक वो नहीं आएंगे मैं कितना भी बताऊँगा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। ये इसके लिए मैं बोल, एक चीज ये समझे थे एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर मेरे को कोई 1 लाख रुपए की वैल्यू बता रहा है मेरे को एक कॉइन की, और मैं आपके पास आके कह रही हूँ, आप कह रहे हैं 10 रुपए है, मैं तो धड़ाम से नीचे आऊंगी। हाँ, वो यकीन नहीं करता। मैं व्हाट्सएप ही बोलता हूँ, तो मैं बेस्ट ऑप्शन बोलता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर हैं सब्सक्राइबर है उससे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन हो तो इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हो, हम हर स्टेट में जाते हैं, और जहाँ जहाँ एग्जीबिशन होगा जिस स्टेट में, मैं उसका डिटेल भी डालता हूँ मैम, तो आप वहाँ जरूर विजिट करें, वहाँ जाए, वहाँ पे इंडिया से हर जगह से। आप अपना नाम और नंबर भी दे दीजिए इस वीडियो पे, मैं देता हूँ, लोगों को फायदा होगा। नहीं अभी ये भाई साहब बना रहे हैं तो आप दे दीजिए प्लीज, मैं देता हूँ ऑलरेडी, मेरा मैंने पहले वहीं से स्टार्ट किया, वो मेरा GNA कलेक्शन है, मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, वो मेरा इसके लिए तो डाला हूँ, अगर नहीं देना होता तो कुछ डालता क्या? नहीं नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, अभी उसमें मेरे 50 व्हाट्सएप पे मैसेज आए। अच्छा, फिर भी मैंने उसको रिप्लाई दूंगा रात में, लेकिन मैं इतना तो कर रहा हूँ ना, लेकिन जो फ्रॉड हो जा रहा है, गरीब आदमी सब है इसमें, पैसा तो सबको प्यार, उसका कुछ हो नहीं सकता क्या? यूट्यूब चैनल हम बंद नहीं करवा सकते? अब जो अब इंडिया बताओ ना, एक गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से उसने 5000-10000-15000 वो की है, चलो हम तो समझ गए 500 रुपए का चूना खा के एक आदमी के 10-20 हजार रुपए हो गए, और उसके पास पता चला कि उसकी इनकम ही नहीं है, वो क्या करेगा? ऐसे बहुत सारे केसेस है, तो उसके लिए वही लोग ना उसको दूरी बनाएंगे, जिसको कोई 1 लाख रुपए का ख्वाब दिखा रहा है तो उसको तो उनको दूरी बनाना पड़ेगा ना। अब वो लोग तो लालच के पीछे पड़ते, तो आजकल मैम जानते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आई जाता है ना, जब आज एक समाज के साथ जुड़े हैं, जिम्मेदारियों के साथ जुड़े हैं, तो एक आदमी को लगता है ना यार मेरा ये काम है, 2 सिक्के बिके, मेरा ये काम हो रहा है, कर लो, बहुत इजी कोइन है। लेकिन मैं एक सबसे ज्यादा जानकारी देता हूँ दोस्तों, RBI कोई 5 रुपए का क्वाइन बनाता है, तो अगर वैसा अगर 2 लाख का होता तो खुद RBI सबसे पहले अमीर होता, वो 5 रुपए के सिक्के बना के वो खुद 2 लाख में बेचते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यही जानकारी ये करता हूँ, ये वीडियो को आप देख रहे हैं, मैम ने आपको सारे इंडिया से हर जगह से आए हुए हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वैसे फेक वीडियो मत देखें जिसमें आपको लाखों करोड़ों का ख्वाब दिखाते हैं, जब तक आप लाखों करोड़ों का ख्वाब देखेंगे तब तक नीचे से आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, समय का में भी टेंशन रहेगा ना हमेशा, ये वो जो है वो भी चला जाएगा। हाँ, वो भी चला जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सही जानकारी मिले, ताकि जिनके पास जिनका आने वाले वक्त में पैसा बच जाए, जैसे लाखों 2 लाख का 10 लाख का सपना दिखा के 5000-10000, अगर पूरे इंडिया में अगर पर डे अगर 100 आदमी अगर ऐसा फॉल करता है तो 2 लाख रुपया तो सबका चला जाता है ना, तो उसका ये बचे। दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य यही बनाने का लिए। और दोस्तों बाकी अगर क्वाइन नोट्स की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल के अंदर बहुत सारा है, वो देखें और उसके हिसाब से कलेक्शन करेंगे तो लाइफ में कभी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद।